अभी हो रहा है सुबह का 11:05। ये देखो सीट की हालत, बिल्लियों ने कर दिया है। खैर कुछ कर नहीं सकते उसका। सी दिस इज़ द रीज़न मैंने ये निकलवा दिया था, इतना ही प्ले हो रहा है एंड थोड़ा बहुत यहाँ से फोर कॉइल लीक भी हो रहा है। ये ड्राई है बट यहाँ से थोड़ा बहुत लीक हो रहा है। सो अभी जाऊँगा मैं दीपक भाई के पास, फिर मैं अगला आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो नॉर्मल ऐसे रास्ते में तो प्रॉपरली चल रहा है बट जैसे ही थोड़ा सा ऐसा खड्डा वगैरह आ जाता है तो इसका जो स्टिफनेस है वो समझ में आ रहा है। आए ना अभी तक चलो एक चीज देखते हैं। क्या देखेंगे? आइडलिंग पे इसका डीवी देखो, सराउंडिंग का भी साउंड जरूर उठा रहा होगा। यार इसके लिए आज हम लोग परेशान है भाई। लेकर ये क्या सीन है, एडजस्ट होता है कि नहीं भाई? लेकिन ये लघु उद्योग के सामने मेहनत मजदूरी ज्यादा होगा। बाइक का फील एकदम से अलग हो गया है। द बाइक इज लिटरली ग्लाइडिंग ओवर बैड रोड एंड पॉटहोल्स। आई एम सो हैप्पी। अभी देखते हैं थोड़ा और स्पीड में, देखते हैं थोड़ा गड्ढे में डाल के देखते हैं, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या फीडबैक दे रही है। सो फार जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। जब 380 ml डाला था उसके बाद मैंने टेस्ट राइड लिया, फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड द ऑब्वियस थिंग, जो हाइट है वो कम हो गया है बाइक का, दैट इज़ अ गुड थिंग। बहुत स्मूथ चल रही थी, आई वॉज लिटरली ग्रीनिंग इन साइड द हेलमेट। बट अभी जो है मतलब तभी चलाते हुए सोचा, देखते एक आध खड्डे के ऊपर डाल के, छोटा मोटा ही खड्डा था उसके ऊपर से जैसे निकला, इट वॉज लाइक भाई आवाज़ आ रहा है। So immediately what I did is I decided to do a top up of 20 ml, that is 400 ml. Now it feels perfect. As of now मुझे बहुत स्मूथ लगा। यहाँ पे अभी टेस्ट हो ही जाएगा। वाह, ये पहले जंप होता था, अभी जंप होना बंद हो गया। एंड अभी भी आई एम 5'10" फॉर रेफरेंस, मेरा हाइट जो है, एंड आई एम फ्लैट फुटेड बोथ साइड। सो देर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस। व्हेनेवर वी आर डूइंग अ परफॉर्मेंस अपग्रेड लाइक फॉर दिस, फॉर माय इंटरसेप्टर आई डिड अ परफॉर्मेंस अपग्रेड विद
BMC ear filter, then stage 2 kit cover for ear filter, then Fuelix Pro. So all this together, what happened is, अभी ये तो free flow exhaust तो नहीं है, but aftermarket exhaust है जो which actually aids in the performance to some extent. पावर एंड टॉर्क दोनों ही इंक्रीज हुआ है. कितना आई डोंट नो द नंबर्स, बट आई डू फील, आई कैन फील इट कि वो पावर एंड टॉर्क दोनों इंक्रीज हुआ है. दैट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. बट एट द सेम टाइम आई एम यूजिंग ब्रिटिस्टिन टायर्स. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक विद द ब्रिटिस्टिन टायर्स, दीज आर कमिंग एज OEM. रॉयल एनफील्ड के नए बाइक्स में जो भी बीच में एलॉयस के साथ स्टार्ट हुआ था उसमें ब्रिटिस्टिन एज OEM पार्ट आ रहा था. सो नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतना टॉर्की हो गया है. आई बिलीव दिस टायर्स आर नॉट सफिशियंट टू हैंडल दैट टॉर्क. टॉप स्पीड एंड ऑल मैंने टेस्ट नहीं किया है, इवेंचुअली मैं करता भी नहीं हूँ. कभी मौका मिल गया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, but otherwise I'm not someone who is like interested in doing the top speed and all. I did once, I know stock mein bhi ye kya chal sakti hai. khadde pe, pehle khadde mein kya hota tha, takleef hota tha, bike ka chance rehta tha ki thoda sa idhar udhar bhage, control karne mein thoda problem hota tha. Now I believe that is also resolved, that issue. Obviously, bike has become a lot smoother. $500 डालने के बाद जो एक और चीज़ हो रहा था, फ्रंट वॉज वेरी वेरी हैवी, सो उसमें भी तकलीफ हो रहा था उसको हैंडल करने में. द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस अपग्रेड, व्हाई आई स्टार्टेड विथ परफॉर्मेंस इज बिकॉज हम लोग जब परफॉर्मेंस अपग्रेड करते हैं ना, वी फॉरगेट अबाउट अपग्रेडिंग आवर ब्रेक्स. आप अपनी बाइक को अगर टॉर्क एंड पावर दोनों दे रहे हो, एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ गेटिंग सफिशिएंट, यू नो, इट हैज़ द सफिशिएंट स्टॉपिंग पावर. व्हीकल आपका पावरफुल हो जाता है, बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव सफिशिएंट कंट्रोल इन योर हैंड टू हैंडल दैट पावर. एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी. ये कुछ 7-8 किलोमीटर्स में अभी तक चलाया रहूँगा, बट जो फीडबैक मुझे मिला है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट कैन टेक पॉट होल्स. अभी स्पीड में तो भागाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ऑफ रोडर बाइक है, 90-100 में पॉट होल्स के ऊपर से निकल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है. I don't have such great expectations, but it is going as per my expectation. जो भी है इसका परफॉर्मेंस अल्टीमेट हो गया है. पेट्रोल निकालना चालू है एंड अभी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था. ये मार्क है, ये गार्ड का प्रॉब्लम ये है ना, बाइक जब गिरा ना तो बाइक एक्चुअली मेरे पैर के ऊपर गिरा. सो मैं ऐसा गार्ड इसलिए प्रेफर करता था हमेशा कि वो कभी मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, ये उतना सपोर्ट नहीं दे पाती है, तो फिर बाइक आता है मेरे ऊपर. एंड दूसरा इसमें ड्रम ब्रेक है तो ब्रेकिंग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो पेट्रोल डाल के ये भी हो गया चालू. एंड वही जो मैं बता रहा था, इसका जो लेग गार्ड है, मुझे ये लेग गार्ड कभी चेंज नहीं करना था. एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली ये बाइक जब मैं लिया था दे वर टेप्ड लाइक बोथ द लेग गार्ड एंड जो बेंट पाइप है. कभी भी मत करना ये सोच के, तो बिल्कुल मत करना कि देखने में अच्छा लगता है, बिकॉज पानी में जब वो गीला होता है वॉशिंग के टाइम, बारिश के टाइम, कैसे भी, इट स्टेज विद दैट एंड वो बहुत जल्दी पाइप को
या फिर आपका गार्ड जो भी है उसको सड़ा देता है, इट गेट्स रस्टेड फास्टर एंड मैंने इसी वजह से खोल भी दिया है और लेगार्ड में चेंज नहीं कर रहा था ये सोच के कि दिस इज़ फाइन, ये बाइक वैसे भी लोकल में चलती है, बट वन आई टुक अ फॉल आई फिगर्ड आउट थोड़ा सा स्लैंटेड भी था एंड जहाँ पे मैं गिरा वो जगह थोड़ा सा स्लैंटेड था, सो उसमें सीन ये हुआ ना कि बाइक गिर के पैर के ऊपर आ गई सो फॉक्स क्विक अपडेट, ये स्पेसस था जो सुबह में लेके निकलना भूल गया था, तो फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई टुक आउट द स्पेसर्स फ्रॉम द सस्पेंशन सो दैट वी कैन हैव सफिशिएंट प्ले विद द स्प्रिंग, बट स्टिल इट वाज वेरी वेरी यू नो स्टिफ, सो इन देन ओनली आई डिसाइडेड कि भाई 500 ml से लेट्स रिड्यूस द फोक ऑयल, दैट शुड हेल्प एंड एक्चुअली आई एम लिटरली हैप्पी 400 ml के साथ, इनिशियली 380 ml किया था बट 380 ml में प्ले तो था बट देन अगेन बहुत ज़्यादा डिप हो रहा था, सो 400 ml इज़ द करेक्ट ऑयल क्वान्टिटी, आप अगर हिमालयन का स्प्रिंग यूज़ करने का सोच रहे हो गो विथ 400 ml ऑफ फोक ऑयल, दैट शुड बी सफिशियंट एंड नो स्पेसेस आर रिक्वायर्ड एंड दीज आर प्रीलोड एडजस्टर जो मैं जी टी में भी यूज़ किया था, सो द रीज़न आई हैड टू टेक इट ऑफ इज़ लाइक बिकॉज इसमें से एक जैसे ये फ्री घूम रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू नो दिस पार्ट इज़ नॉट सिमेट्रिक ड्यू टू दिस, ये फ्री घूम रहा था एंड मेरा फोक से ऑयल भी लीक हो रहा था, सो द रीज़न वाई आई हैव टू टेक इट ऑफ एंड आई थिंक आई कैन री यूज़ इट ये एडजस्ट करके, सो अभी 400 ml ऑयल के साथ आई एम वेरी हैप्पी द वे द सस्पेंशन इज़ परफॉर्मिंग एंड क्विक अपडेट 535 बहुत ही अच्छा चल रहा है, 0 to 80 इट्स लिटरली वेरी क्विक, बट आई बिलीव उसके साथ आई नीड टू हैव सम गुड ब्रेकिंग, आई नीड टू अपडेट विद द ब्रेकिंग एज वेल बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है बट ब्रेकिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट एज इट कम्स विद अ डिस्क इन द फ्रंट एंड ड्रम एट द बैक, सो आई बिलीव उसका भी कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट इन अपग्रेडिंग द परफॉर्मेंस इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर ब्रेकिंग एज वेल, आई कीप यू गाइज पोस्टेड हाउ इट इज़ बिहेविंग एंड मैं ये प्रीलोड एडजस्टर अगर डालता हूँ आई पोस्ट कि इसका डालने से कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं, सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ, टेक केयर, बाय बाय।